सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ऐसी तीन प्रमुख खबरों के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए। उसमें सबसे पहली जो खबर है वो रहेगी कि हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए जो वार्ड का एंटाइटलमेंट है केंद्रीय कर्मचारियों का, रेलवे कर्मचारियों का कौन सा रहेगा। दूसरी जो अपडेट है वो ये रहेगी कि एक केंद्रीय कर्मचारी अपने अकाउंट में कितनी जो छुट्टियां हैं उनका संग्रह कर सकता है। और तीसरी जो अपडेट वो रहेगी कि एनपीएस के संबंध में एक लेटर लिखा गया है उसके बारे में। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को आप पूरा देखिए। वीडियो में दी गई सूचना अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों ये रेलवे मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया एक आदेश है और इसमें रेलवे बोर्ड ने ये किया है कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके सैलरी या बेसिक सैलरी जो कि सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद में जो रिवाइज हुई है उसके अनुसार अब जो नया एंटाइटलमेंट है वो इस प्रकार रहेगा। तो ऐसे सभी कर्मचारी जो कि लेवल जिनका जो बेसिक सैलरी है वो 47,600 रुपये तक है तो उनका जो एंटाइटलमेंट है वो जनरल वार्ड रहेगा। उसके बाद में जिनका बेसिक सैलरी 47,601 रुपये से लेकर 63,100 रुपये है उनका सेमी प्राइवेट वार्ड रहेगा। और जिनका जो बेसिक सैलरी है वो 63,101 रुपये से लेकर जो मैक्सिमम सैलरी है 2,50,000 रुपये तक रहेगा उनको प्राइवेट वार्ड में ट्रीटमेंट करवाने का जो फैसिलिटी है वो मिलेगा। और दोस्तों दूसरी जो खबर है वो ये है कि हमने आपको बताया कि एक जो कर्मचारी है वो अपने अकाउंट में कितनी छुट्टियों का संग्रह कर सकता है। तो रिगार्डिंग अकुमुलेशन ऑफ लीव, तो ये 4 अप्रैल 2018 का DOPT के द्वारा लिखा गया एक लेटर है। तो उसमें DOPT ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो कोई भी केंद्रीय कर्मचारी है वो अपने अकाउंट में 300 दिन का जो अर्न्ड लीव है या जिसको आप EL बोलते हैं वो अपने अकाउंट में अकुमुलेट कर सकता है। तो इसके संबंध में कई सारे जो यानी लोग थे वो कोर्ट में गए थे, जिसमें सबसे पहले पंजाब और हरियाणा जो हाई कोर्ट है उसने उन्हें आदेश दिया था एक मामले में कि केंद्रीय कर्मचारी जो राज्य कर्मचारी है वो 300 से ज़्यादा छुट्टियां अपने अकाउंट में अकुमुलेट कर सकता है। लेकिन ये जो ऑर्डर है वो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू नहीं है। और कुछ जो दोस्तों ने DOPT के लिए ये लेटर लिखा था कि जो चंडीगढ़ और हरियाणा हाईकोर्ट का जो आदेश है उसके अकॉर्डिंग केंद्रीय कर्मचारियों को भी अधिक छुट्टी अपने अकाउंट में संग्रह करने का लाभ दिया जाए, लेकिन DOPT ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कोई प्रस्ताव पारित भी नहीं है और CCS लीव रूल्स 1972 में संशोधन करने का भी कोई विचार अभी तक उनके पास में लंबित नहीं है। तो ये केंद्रीय कर्मचारी अभी अपने अकाउंट में 300 डेज का EL अकुमुलेट कर सकता है। तो ये जो खबर थी वो थी लीव कि कितनी एक केंद्रीय कर्मचारी मैक्सिमम अपने अकाउंट में क्रेडिट कर सकता है। दोस्तों तीसरी और अंतिम खबर ये है कि नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड के जो सेक्रेटरी हैं श्री गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा है और इसमें इन्होंने जो कर्मचारी NPS के अंतर्गत आते हैं उनके लिए कुछ मोहलत देने का इन्होंने रिक्वेस्ट किया है। तो इसमें इन्होंने ये जिक्र किया है कि बाकी देशों में भी ऐसे सभी कर्मचारी जो कि NPS की तरह ही किसी दूसरी स्कीम के अंतर्गत कवर्ड हैं तो उनके लिए सरकार ने ये सिस्टम बनाया हुआ है कि उन्हें जो सोशल सिक्योरिटी के दूसरी स्कीमों का भी लाभ मिल सकता है यदि जो मार्केट है वो फेल हो जाता है या किसी कारणवश से जो NPS कर्मचारी हैं उनका पैसा डूब जाता है तो इसके लिए उन्हें सरकार की तरफ से दूसरी स्कीमों का लाभ दिया जाएगा। लेकिन भारत में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। यदि NPS कर्मचारी जो कि सरकारी नौकरी 1/1/2004 के बाद में ज्वाइन किए हैं उनके द्वारा लगाया गया पैसा किसी कारणवश डूब जाता है तो सर उनका कोई सिक्योरिटी नहीं है पेंशन पाने की कि उन्हें कोई किसी भी तरीके की पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसी के बारे में ये लेटर लिखा गया है कि सरकार कम से कम गारंटेड पेंशन और फैमिली पेंशन स्कीम लागू करे NPS कर्मचारियों के लिए भी। हालांकि फैमिली पेंशन पाने के देने के लिए पहले से ही आदेश जारी हो चुके हैं कि जो NPS कर्मचारी उन्हें फैमिली पेंशन दी जा सकती है। तो इसमें ये डिमांड करेंगे कम से कम 50% जो इनकी सैलरी है उसका उन्हें फैमिली पेंशन और फैमिली पेंशन दिया जाए। तो इन्होंने एक ये भी डिमांड की है कि NPS जो कर्मचारी हैं उनको पुरानी जो स्कीम है डिफाइंड पेंशन या फैमिली पेंशन स्कीम बाकी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह उसका लाभ दिया जाए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब ये लेटर लिखने के बाद में जो NPS कर्मचारी हैं उनके लिए कुछ अच्छा आएगा।
हालांकि समय समय पर हड़तालें की जा रही हैं और भी कई सारे बार बहुत बार लेटर लिखे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक जो NPS कर्मचारी हैं उनके लिए कुछ खास मिला नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। सूचना अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और नई अपडेट सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।